हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 8 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे क्लास 12 चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर है ये, इसका हम आज जो है पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ले सॉल्व कर चुके थे, और इस वीडियो में है जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक ले सॉल्व करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म व्हाई व्हिच द एड्स वायरस कॉजेस डिफिशियंसी ऑफ इम्यूनो सिस्टम ऑफ दैट इन्फेक्टेड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वे कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र का हास करता है। तो आंसर हो गया सॉल्यूशन एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एचआईवी वाई सेक्सुअल और ब्लड डॉट कॉन्टेक्ट। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी द एचआईवी वायरस अटैक्स एंड एंटर्स द मैक्रोफेजेस। इनसाइड द मैक्रोफेजेस द आरएनए ऑफ वायरस रिप्लिकेट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट फेज गिव्स राइज टू वायरल डीएनए। दिस वायरस डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट डीएनए एंड डायरेक्ट्स द सिंथेसाइज ऑफ वायरस पार्टिकल्स। एट द सेम टाइम HIV enters helper T lymphocyte, it replicates and produces viral progeny there. The newly formed progeny viruses get released into the blood, attacking other healthy helper T lymphocytes in the body. As a result, the number of T lymphocytes in the body of an infected person decreases progressively, thereby decreasing the immunity of a person. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कहता है कि एड्स, जिसे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ये जो है हार्मोन इम्यूनो डिफिशियंसी के कारण होता है। यौन या रक्त रक्त के संपर्क के माध्यम से ये जो वायरस है, जिसे हम लोग एचआईवी के नाम से जानते हैं, वो मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद है जो कि एचआईवी वायरस हमला करता है और मैक्रोफेज में जो है ये प्रवेश करता है। माइक्रोफेज के अंदर जो है वो वायरस का आरएनए प्रतिकृति करता है और ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की मदद से वायरस डीएनए को जन्म देता है। फिर ये वायरस है जो कि डीएनए मेजबान डीएनए में शामिल होता है और ये वायरस कणों के संश्लेषण को निर्देशित करता है और एक ही समय पे है जो कि एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करता है और ये प्रतिकृति बनाता है और वहाँ पे जो वायरल संतान पैदा करता है वो ये नवगठित संतति विषाणु शरीर में अन्य स्वास्थ्य सहायक की टी लिम्फोसाइट पर हमला करते हुए रक्त में छोड़े जाते हैं। नतीजतन संक्रमित के शरीर में टी लिम्फोसाइट की संख्या व्यक्ति उत्तरोत्तर घटता जाता है, जिससे व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हाउ इज कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल सेल। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रसंहारी कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल कहता है कि नॉर्मल सेल्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहेबिटेशन, देयरफॉर व्हेन दीज सेल्स कम इनटू कॉन्टेक्ट विद अदर सेल्स दे स्टॉप डिवाइडिंग। कैंसरस सेल कहता है कि कैंसरस सेल लैक द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहेबिटेशन, देयरफॉर दे कंटिन्यू टू डिवाइड, देयर बाय फॉर्मिंग ए मास ऑफ सेल्स और ट्यूमर। नॉर्मल सेल जो है वो कहता है कि समान कोशिकाएं के गुण को दर्शाते हैं और ये जो है संपर्क निषेध इसलिए है जब ये कोशिकाएं के संपर्क में आती है अन्य कोशिकाएं विभाजित बंद होना कर देती है। कैंसर ये कहता है कि कैंसर कोशिकाओं में संपर्क के गुण का अभाव होता है और ये जो निषेध इसलिए होता है क्योंकि वे जारी रखते हैं विभाजित, जिससे कि एक दरमियान बनता है या फोड़ा बनता है। दूसरा कहता है नॉर्मल सेल दे अंडरगो डिफरेंशिएशन आफ्टर अटेनिंग अ स्पेसिफिक ग्रोथ। कैंसरस सेल में कहता है दे डू नॉट अंडरगो डिफरेंशिएशन। नॉर्मल सेल में कहता है वेके के बाद विभेदन से गुजरते हैं और ये एक वशिष्ठ वृद्धि प्राप्त करता है और इसमें कैंसरस सेल में है जो कि उनमें विभेदीकरण नहीं होता है। विभेदीकरण मतलब कि डिफरेंशिएशन नहीं होता है।
नॉर्मल सेल में तीसरा पॉइंट कहता है कि दीज सेल्स रिमेन कॉन्फाइंड एट अ पार्टिकुलर लोकेशन। कैंसरस सेल में कहता है कि दीज सेल्स डू नॉट रिमेन कॉन्फाइंड एट ए पार्टिकुलर लोकेशन, दे मूव इनटू नाइबरिंग टिश्यूज एंड डिस्टर्ब इट्स फंक्शन। ये कोशिकाएं ए पर सीमित रहती है विशेष स्थान पे, और कैंसरस सेल में कहता है ये कोशिकाएं पर सीमित नहीं रहती है विशेष स्थान पे, ये वे में चले जाते हैं पड़ोसी उत्तक और इसके कार्य को बाधित करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय मेटासिस। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मेटासिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। तो आंसर हो गया मेटासिस इज एग्जीबिटेड बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट इज पैथोलॉजिकली प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसरस सेल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। From the tumor, some cells get sloughed off and enter into the blood stream. From the blood stream, these cells reach distant parts of the body and therefore initiate the formation of a new tumors by dividing actively. Question number 13 कहता है कि मेटासिस क्यों है, जो कि एक संपत्ति घातक ट्यूमर द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और ये रोग प्रतिक्रिया है जो कैंसर कोशिकाओं के शरीर के विभिन्न भागों में फैलता है, और ये कोशिकाएं है जो कि अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है। ट्यूमर नामक कोशिकाओं का एक द्रव्यमान बनाते हैं जिसमें कि ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं अलग हो जाती है और अंदर प्रवेश करती है। रक्त प्रवाह यानी कि रक्त प्रवाह से ये कोशिकाएं हैं जो कि शरीर की दूरी के हिस्सों में पहुंचाती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि ये सक्रिय रूप से विभाजित करके नए ट्यूमर के गठन की शुरुआत करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल ड्रग अब्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अल्कोहल या ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग का हानिकारक प्रभावों की सूची बनाएं। ये क्वेश्चन का आंसर है जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं एग्जाम में यदि आप लोगों के आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें कहा जा रहा है अल्कोहल एंड ड्रग्स हैव सेवरल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल हिज फैमिली एंड द सोसाइटी। नंबर ए में है इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रभाव इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल पर जो प्रभाव पड़ता है अल्कोहल का। अल्कोहल हैज ए एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स एक्सेस अल्कोहल इट कॉज डैमेज टू द लीवर एंड नर्वस सिस्टम। एज ए रिजल्ट अदर सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन, फैटिग्यू, एग्रीगेशन, लॉस ऑफ वेट एंड एपिटेट में ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द इंडिविजुअल। Sometimes extreme levels of alcohol consumptions may also lead to heart failure, resulting coma and death. Also, it is advisable for pregnant women to avoid alcohol as it may inhibit normal growth of the baby. Effects on the family. Family पे जो प्रभाव पड़ता है। Consumption of excess alcohol by any family members can be devastating effects on the family. It leads to several domestic problems such as quarrels, frustration, insecurity, etc. Effects on the society. Society में जो effects होते हैं। Number 1 में हो गया rash behavior, B में हो गया malicious mischief and violence, deteriorating social network, loss of interest in social and other activities. अब नंबर बी जो है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या क्या इफेक्ट्स है। एन इंडिविजुअल हु इज एडिक्टेड टू ड्रग्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर हिज फैमिली। इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल, ड्रग्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। दिस लीड्स टू द malfunctioning of several other organs of the body such as kidneys, liver, etc. The spread of HIV is most common in these individuals as they share common needles while injecting drugs in their body. Drugs have long-term side effects on the both males and females. These side effects include increased aggressiveness, mood swing and depression. Effect on the family and society. A person addicted to drugs created problems for his family and society. A person dependent on drugs becomes frustrated, irritated and anti-social. So friends, question number 14 का आंसर कहता है कि शराब और नशीली दवाओं के व्यक्ति उसके परिवार और समाज पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ए नंबर में हो गया
शराब का प्रभाव यानी कि व्यक्ति शराब का है जो कि व्यक्ति पे कैसा प्रभाव पड़ता है। शराब का है जो कि व्यक्ति के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब एक व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है तो उसके लीवर और तांत्रिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर ये जो परिणाम है अन्य लक्षण जैसे अवसाद, थकान, आक्रमकता, वजन में कमी और भूख भी व्यक्ति में देखी जा सकती है। कभी कभी अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन भी हो सकता है। दिल की विफलता का कारण बनता है जिसके परिणाम स्वरूप कोमा और मृत्यु हो जाती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इससे बचने की सलाह दी जाती है। शराब क्योंकि यह बच्चे की सामान्य विकास को रोक सकती है। और परिवार पर प्रभाव यानी कि शराब का है जो कि प्रभाव परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा अधिक शराब का सेवन करने पर उस पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। परिवार या कई घरेलू समस्याओं में जैसे झगड़े, विरास, असुरक्षा आदि को जन्म देता है। समाज पर प्रभाव यानी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है शराब का। जल्दबाज व्यवहार ए में हो गया, जल्दबाज व्यवहार दो में हो गया है दुर्भाग्यपूर्ण शरारत और हिंसा। सी में हो गया बिगड़ते सामाजिक नेटवर्क। डी में हो गया सामाजिक और अन्य गतिविधियों में रुचि की हानि। अब बी में है मादक द्रव्यों का प्रभाव। तो इसमें है जो कि एक व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का आदि होता है वे न केवल अपने लिए समस्याएं उत्पन्न करता है बल्कि उसके परिवार के लिए भी ये हानिकारक है। अब इसमें है जो कि व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें है जो कि दवाओं का व्यक्ति के केंद्रीय तांत्रिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह की ओर जाता है शरीर के कई अन्य अंगों जैसे कि किडनी, लीवर आदि का खराब होना का फैलाव। इन व्यक्तियों में HIV सबसे आम है क्योंकि वे दवाओं में इंजेक्शन लगाते हैं, लगाते समय समान सुइयों का साझा करते हैं। उनके शरीर में है जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों दवाओं के दीर्घकालिक दुष्ट प्रभाव होते हैं। ये दुष्ट प्रभाव बढ़ी हुई आक्रमकता, मिजाज और अवसाद शामिल होते हैं। समाज में है जो कि नशे का आदि व्यक्ति अपने परिवार और समाज के लिए समस्याएं पैदा करता है और एक व्यक्ति मादक द्रव्यों पर निर्भर होना कुंठित, चिढ़ और असामाजिक हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डू यू थिंक दैट फ्रेंड कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक द अल्कोहल ड्रग्स इफ यस हाउ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ फॉर सच एन इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या आप ऐसे सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ तो व्यक्ति ऐसे प्रभावों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? यस, फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक ड्रग्स एंड अल्कोहल। अ पर्सन कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पॉइंट नंबर ए इज इंक्रीज योर विल पावर टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड ड्रग्स। वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विथ अल्कोहल फॉर क्यूरियोसिटी एंड फन। बी नंबर अवॉइड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु टेक ड्रग्स। पॉइंट नंबर सी सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। पॉइंट नंबर डी टेक प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग अबाउट ड्रग एब्यूज। डिवोट योर एनर्जी इन अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर ई सीक इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फॉर फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट इफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन बिकम अपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कहता है कि हाँ दोस्तों किसी को ड्रग्स और शराब लेने के लिए प्रभावित कर सकता है। एक व्यक्ति निम्नलिखित कदम उठा सकता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग से खुद को बचाने के लिए। नंबर वन जो पॉइंट है ए नंबर वो है शराब और नशीली दवाओं से दूर रहने के लिए अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाए प्रयोग नहीं करना चाहिए शराब के साथ जिज्ञासा और मस्ती के लिए। बी में है ड्रग्स लेने वाले दोस्तों की संगति से बचें। सी नंबर है माता पिता और साथियों से मदद लें। डी नंबर है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में उचित ज्ञान और परामर्श लें। अपनी ऊर्जा अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में लगाएं। पॉइंट नंबर ई जो है वो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्साओं से तत्काल पेशेवर और चिकित्सा सहायक लें यदि अवसाद और हताश से लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाई इज दैट वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट डिस्कस इट विथ योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है।
अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। ड्रग्स एंड अल्कोहल कंजप्शन हैज एन इनहेरिएंट एडिटेटिव नेचर एसोसिएटेड विद यूरेहिया एंड ए टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलबीइंग। रिपीटेड इनटेक ऑफ ड्रग्स इंक्रीजेस द टॉलरेंस लेवल ऑफ द बॉडी रिसेप्टर्स लीडिंग टू मोर कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कहता है कि नशीली दवाओं और शराब के सेवन से एक अंतर्निहित व्यसनी व्यक्ति प्रकृति होती है जो उत्साह और इससे जुड़ी होती है। कल्याण की अस्थायी भावना दवाओं के बार बार सेवन से सहनशीलता का स्तर बढ़ जाता है और शरीर के रिसेप्टर्स दवाओं की अधिक खपत के लिए आग्रहणीय होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स टू टेक टू अल्कोहल और ड्रग्स, हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कहता है कि मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग यंगस्टर्स टुवर्ड्स अल्कोहल और ड्रग्स। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन आर द इनिशियल कॉजेज ऑफ मोटिवेशन। सम यंगस्टर स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल इन ऑर्डर टू ओवरकम नेगेटिव इमोशन सच एज स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड टू एक्सेल इन वेरियस फील्ड। फेवरेट मीडियम लाइक टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मूवीज, etc. आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ अल्कोहल टू द यंगर जनरेशन। अमंगस्ट दिस फैक्टर रीजन सच एज अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर कैन ऑल्सो लीड एन इंडिविजुअल टू डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स एंड अल्कोहल। प्रिवेंटेटिव मेजर्स अगेंस्ट एडिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। नंबर ए में हो गया पेरेंट्स शुड मोटिवेट एंड ट्राई टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ देयर चाइल्ड। बी में हो गया पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन अबाउट द ill effects of alcohol, they should provide them with proper knowledge and counseling regarding to consequences of addiction to alcohol. Point number C, it is responsibility of the parent to discourage a child for experimenting with alcohol. Youngsters should be kept away from the company of friends who consume drugs. Point number D कहता है children should be encouraged to devote their energy in other extracurricular and recreational activities. पॉइंट नंबर ए कहता है प्रॉपर प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड टू चाइल्ड इफ सडन सिम्टम्स एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आर ऑब्जर्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कहता है युवाओं को शराब या नशीले दवाओं की ओर प्रेरित करने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। जिज्ञासा, रोमांच और उत्साह की आवश्यकता प्रयोग और प्रेरणा के प्रारंभिक कारण है। कुछ नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए युवा ड्रग्स और शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं जैसे कि तनाव, थकाव, आवाज, हताशा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रभाव प्राप्त करने के लिए। कई माध्यम जैसे शराब के विचार को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र, फिल्में आदि भी जिम्मेदार हैं। युवा पीढ़ी को इन कारणों में अस्थिर और असमर्थ जैसे कारण पर पारिवारिक संरचना और साथियों का दबाव किसी भी व्यक्ति का नशीले पदार्थों पर निर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकता है और शराब और नशीले दवाओं की लत के खिलाफ निवारण उपाय। नंबर ए में हो गया माता पिता के अपने बच्चों की इच्छा शक्ति के बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रयास करना चाहिए। बी में हो गया माता पिता को अपने बच्चों को शराब दुष्ट प्रभावों के बारे में शिक्षित करना चाहिए, उन्हें प्रदान करना चाहिए उन्हें व्यसन के परिणामों के बारे में उचित ज्ञान और परामर्श के साथ शराब। सी नंबर पॉइंट कहता है माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे के शराब का प्रयोग तो उत्साहित करें। युवाओं को ड्रग्स का सेवन करने वाले दोस्तों की संगति से दूर रखना चाहिए। डी नंबर पॉइंट कहता है बच्चों को अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियों में अपनी ऊर्जा समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियां। पॉइंट नंबर ई कहता है अचानक लक्षण होने बच्चों को उचित पेशेवर और चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए और निराश और हताश देखी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 8 ऑफ वुमेन हेल्थ एंड डिजीजेस का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक ले है जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ले वो वीडियो आप देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पिछले चैप्टर्स का यदि आप वीडियो नहीं देखे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक ले है, जो कि सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स यदि वो सब वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वीडियो के नीचे आइकन बटन पे भी आपको मिल जाएगा सारे चैप्टर्स, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं, वहां से भी जाकर के आप आसानी से और सारे चैप्टर्स का आंसर जो है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि इसी प्रकार का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।